जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आईसीआईसीआई बैंक सीधी भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक है जिसमें सीधी भर्ती निकली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। आवेदन केवल 12वीं पास वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, आवेदन कब से शुरू है, लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, कहां कहां पर जॉब लोकेशन रहने वाली है, सारी की सारी अपडेट आपको दी जाएगी एकदम आसान और सरल भाषा में। नौकरी कैसी है सब कुछ बताया जाएगा। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार आप ही का चैनल है दोस्त, ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखते हैं। राजस्थान आईसीआईसीआई बैंक सीधी भर्ती 2024 प्राइवेट लिमिटेड बैंक की भर्ती है, सेलिंग एजेंट की भर्ती है। अगर आप ये सोचो कि साहब ये सरकारी बैंक है क्या, ना ये प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट लिमिटेड बैंक है, इसमें सेलिंग एजेंट की भर्ती निकली है, जो एजेंट होते हैं उनकी भर्ती निकली है। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बिल्कुल साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे तो हम आपका तुरंत रिप्लाई भी देंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाओ आप फटाफट से इसको देखते हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ की जॉब लोकेशन दी गई है वो भी मैं चर्चा करूँगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 9 अप्रैल से, और लास्ट डेट रहने वाली है भाई 22 अप्रैल 2024, यानी कि 22 अप्रैल से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। अगर 22 अप्रैल वाले दिन भी आप फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। आवेदन कहां से करें? लिंक से। लिंक है इस बैंक की, लिंक दी गई है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक दी गई है, उस लिंक के माध्यम से आप, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दी गई है और आवेदन करने के लिए भी लिंक दी गई है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के माध्यम से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लॉगिन करोगे फिर उसमें लिखा रहेगा अप्लाई नाउ, अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट बैंक है भाई, पहले ही बता रहा हूँ, सरकारी बैंक नहीं है, प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट बैंक की भर्ती निकली है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी आपसे। ठीक है भाई, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। एज की बात करें तो 18 से 38 साल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। अब ड्यूटी कहाँ कहाँ रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, पदनाम क्या रहेगा, सेलिंग एजेंट का पद कितने हैं 18, योग्यता क्या है 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान। अगर जिस भाई बहन को कंप्यूटर की नॉलेज है और वो 12वीं पास है तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर कोई ऐसा भाई बहन है जिसको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो भैया आप फॉर्म मत भरना, आपके काम की ये जॉब नहीं है। फिर जिसको कंप्यूटर का काम आना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा आया को ना तो सब आर पारिस ना, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, चलावो तो आना चाहिए था ना, कुछ छोटो मोटो काम तो कर सको, इतना तो आवे। वो जॉब लोकेशन एक तो राजस्थान में भर्ती है, हुगली में भर्ती है, नादिया में है, बाकुंडा में है और कोलकाता में है, 1 2 3 4 5, ये 5 लोकेशन है, यहाँ पर आपकी भर्ती निकल रही है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वेतन 18,000 से 22,000 आपका वेतन रहने वाला है। अच्छा जी, फ्रेशर और अनुभवी दोनों ही इसमें कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस काम का, तो भी फॉर्म भर सकता है। अगर कोई पहले से इस बैंक में काम कर चुका है, ऐसे काम कर चुका है, तो भी वो इसमें आवेदन कर सकता है। ड्यूटी क्या क्या रहेगी, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, अकाउंटिंग में,
ठीक है, अगर आप फाइनेंस का काम लेना चाहो तो फाइनेंस का मिल जाएगा, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस मिल जाएगा, अकाउंटेंट का करना चाहते हो तो अकाउंटिंग वाला भी काम आपको मिल जाएगा। लोन है, बीमा है, क्रेडिट कार्ड है, वगैरह वगैरह जो भी है, इससे ग्राहकों को इन सेवाओं से जोड़ना है आपको। यानी कि भाई किसी को लोन लेना है तो आपको लोन के लिए प्रेरित करना है, भाई लोन ऐसे ले सकते हो, आप हमारे बैंक से ले सकते हो। अगर कोई बीमा करवाना चाहता है तो आप बीमा के लिए उसको जोड़ सकते हो कैंडिडेट को, कि भैया हम तुम्हारा बीमा करवा देंगे, हमारे बैंक से जुड़ जाइए। ठीक है, अगर कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, जैसे भाई आजकल ऑनलाइन चीज़ें खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड मान्य होता है, जैसे मान लो अपने को कोई मोबाइल लेना है किस्तों में, तो किस्तों में मोबाइल लोगा तो क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ेगा था, फिर क्रेडिट कार्ड से चाहे थे 20,000 को मोबाइल ले लो, चाहे 40 को ले लो, कुछ भी खरीद लो, फ्रिज कूलर वगैरह जो भी आपको खरीदना है, कैमरा लो, कुछ भी लो, इन्वर्टर लो, कंप्यूटर लो, लैपटॉप लो, आप क्रेडिट कार्ड बनवा करके ये चीज़ें खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट से खरीद लो, अमेजन से खरीद लो। तो ये क्रेडिट कार्ड जो होता है ये बैंक भी बनाते हैं ना, तो बैंक में ही बढ़ता है क्रेडिट कार्ड, तो इसके लिए भी आपको लोगों को प्रेरित करना है, भाई क्रेडिट कार्ड भी हम आपका बना देंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये काम आपको उनके करने पड़ेंगे, ये चीज़ें हैं साथियों। ठीक है, अच्छा, चयन कैसे होगा? फॉर्म फीस 0 रुपये है, चयन शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स और मेरिट लिस्ट। यानी कि परीक्षा तो होगी नहीं भाई, तुम्हारा इंटरव्यू होगा, परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू ले लिया जाएगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और वो भी इस काम से संबंधित ही होगा, कि आप ये काम नहीं भी जानते हैं तो ऐसे ऐसे कर लोगे ना, बिल्कुल साफ कर लेंगे, ये प्रकार ऐसे ऐसे करना है आपको, ये चीज़ें हैं, बस वो ही नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। और आपकी 12वीं पास ही योग्यता मांगी गई है, ज़्यादा योग्यता भी नहीं मांगी गई है। अगर आप स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, कुछ भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। पदों की संख्या टोटल 18 ही है भैया, ज़्यादा पद इसमें नहीं है। अगर कोई भाई बहन इच्छुक है तो आवेदन करें, अन्यथा आवेदन मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, टेलीग्राम पर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दी है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।